ये आपको शौक हुआ कहाँ से? ये भाई बस दूसरे बकरे पालते थे तो हम वहाँ जाते थे, बस उन लोगों को देख देख के शौक चढ़ा। अच्छा, बस और पूछे घर वालों से तो हमने हाँ बोले, ले लिया पुल्ले भी बकरे। अच्छा, और कैफ आपको शौक कहाँ से हुआ? मेरे को तो सुफियान की वजह से हुआ। अच्छा, सुफियान से आपको शौक लगा, एक दूसरे को देख के दोस्तों के हिसाब से लगता है। बकरे मैं और सुफियान में दोनों संभालते थे। अच्छा, तो आगे का प्लान क्या है आप लोगों का? और बड़े बड़े बकरे पालेंगे इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गुड वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूँ नागपाड़ा पर एस के गोट्स पर, और आज मैं मिलाने वाला हूँ, ये लोग हैं सबसे यंगेस्ट गोट फार्मर जो चैनल्स पे नहीं आए ज़्यादा, या शायद नहीं आए हैं। तो मैं मुलाकात करा देता हूँ सुफियान भाई और कैफ भाई। पहले तो सुफियान भाई, आपकी एज बताई क्या है? 13। अभी आप 13 साल के हो? यस। जी जी, अभी आप 13 साल के हो, और साथ में कैफ। कैफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैफ, आपकी एज कितनी है? 10 ईयर्स ओल्ड। 10 ईयर्स ओल्ड, गुड। तो अभी ये 10 साल के है सिर्फ? जी। और जो शौक चल रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, हाँ। तो सुफियान भाई, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये अभी आपके पास टोटल 5 बकरे हैं, बराबर? हाँ। और आपने एज बताए आपकी 13 साल, और ये शौक आप कब से करो, कितने साल के थे आप? 2016 से करो। 2016, मतलब ऑलमोस्ट 7 साल के आप काफ़ी छोटे थे। और मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों ही यहाँ पे काफ़ी फेमस है बकरा पालने के अंदर, काफ़ी कम एज में है। सो सुफियान, जब आप 7 या 8 साल के थे, जैसे आपने कहा कि मैं 2016 से कर रहा हूँ, तो उस समय इतना पैसा कहाँ से मैनेज करते थे? वो घर वाले थे, भाई लोग थे, और थोड़ा बहुत अपन भी जमा करते थे। अच्छा, आप भी जमा करते थे, जो भी मतलब आपको पॉकेट मनी मिलता था या गल्ला वगैरह, बताया मुझे जैसे आपका फीडबैक मिला है, और उससे शौक किया करते थे। जी जी, तो मुझे बताइए कि जैसे आप शौक कर रहे हैं, काफ़ी कम एज में कर रहे हैं, तो ये आपको शौक हुआ कहाँ से? ये भाई बस दूसरे बकरे पालते थे तो हम वहाँ जाते थे, बस उन लोगों को देख देख के शौक चढ़ा। अच्छा, बस और पूछे घर वालों से तो हमने हाँ बोले, ले लिया पुल्ले भी बकरे। अच्छा, और कैफ आपको शौक कहाँ से हुआ? मेरे को तो सुफियान की वजह से हुआ। अच्छा, सुफियान से आपको शौक लगा, एक दूसरे को देख के दोस्तों के हिसाब से लगता है? बकरे मैं और सुफियान में दोनों संभालते थे। अच्छा, तो आगे का प्लान क्या है आप लोगों का? और बड़े बड़े बकरे पालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और बड़े बड़े बकरे पालोगे, तो आगे कुछ फार्म वगैरह ओपन करने का प्लान है? ऐसा तो वो सोचे नहीं है भाई, इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, वो सब देखते रहना, पहले पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दो। जी, शौक चलेगा बाद में कर लेना, 100% पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुए, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद शौक भी चलता रहेगा। सही है भाई, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी ये वीडियो में हम कितने बकरे दिखाने वाले हैं? टोटल 5 बकरे भाई। 5 है, तो इसमें सेल के लिए भी है ना? हाँ, 2 बकरे सेल के। अच्छा, तो जो सेल के है, हम पहले वो देख लेते हैं। ये बकरी है भाई, हट, आप रहने दीजिए ऐसा। हाँ, चलेगा, मस्ती हो रही है, ये बहुत मस्ती करती है। सुफियान, क्या डिटेल में है ये? 6 से 7 महीने की है, बलबली है। 6 से 7 महीने की पट है ये। हाँ। जी जी, तो इसका कुछ नाम वाम रखे हो? अजवा। अजवा, और ये नाम कौन रखा है? ये तो अम्मी ने रखा नाम। अम्मी ने नाम रखे है अजवा। और अभी 6 से 7 महीने में, और फुल एक्टिव, मस्ती करो। हाँ, मस्ती तो बहुत करती है। ओके, सो आप इसका क्या डिमांड कर रहे हैं भाई? इसका 6000 रुपए मांग रहे। 6000, तो ये जो प्राइस है फिक्स है या इसमें कुछ हो जाएगा थोड़ा बहुत? हो जाएगा, नहीं। अच्छा, और जो प्राइस बता रहे हो आप पक्का सोच के बता रहे हो ना? हाँ, क्योंकि आपकी एज कम है। जी, तो ठीक है, 6000 आप इसका डिमांड कर रहे हो, जो कि कम ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा क्या है सेल के लिए आपके पास? एक बकरी और है। अच्छा, ये बकरी भी। और ये क्या डिटेल में है? ये 8 दांत कर चुकी है। माइक पास ले आइए। 8 दांत कर चुकी है। अच्छा, 8 दांत कर चुकी है। ये अपने पास बहुत टाइम से, जब शुरू में 2 बकरी लाया था ना मैं, ये वही बकरी है, पहली बकरी। काफी पुरानी है, बहुत पुरानी बकरी। अच्छा, मैं भी आपको देखता था, आप यहाँ पे बकरी पाला करते? हाँ भाई, और इसके साथ की जो बकरी थी वो बेच दिया। अच्छा,
तो ये तो पूरे दांत कर चुकी है बराबर, ये पूरे दांत कर चुकी और है। एक सिंग इसकी टूटी हुई है। हाँ ये मतलब वो तो पहले से ही टूटी हुई थी। हाँ इन्हें खुद ही उखाड़ ली। अच्छा मस्ती कर करके। और ये सिंग में अभी निकल जाएगी, कवर है खाली। ओके कवर है। अच्छा वो सिंग का जो कवर बनता है फाफड़ा बन के निकल जाता है। निकल जाता है जी जी। तो आप इसका क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका भाई 12,000 रुपये मांग रहे हैं। 12,000 रुपये जी जी। तो 12,000 में किसको चाहिए तो आके ले सकता है जी जी। तो ये दो चीज थी सेल के लिए। और इसके बाद जो बाकी तीन है ये एक बच्चा है, इसका बच्चा है। अच्छा वो शौक के लिए? ये शौक के लिए 2 महीने का है। ओके और ये भी शौक के लिए माशाल्लाह। ये तो ये साल कड़ी है अभी ईद में। अच्छा ये क्या ब्रीड है? पतीरा है? ये पतीरा में क्रॉस है। पतीरा में क्रॉस है मतलब पतीरा ही बोलेंगे उसको। जी जी माशाल्लाह फुल पिंक है, बहुत खूबसूरत बच्चा है। ये भी घर में ही पैदा हुआ है। अच्छा आपकी होम ब्रीड बोल सकते हैं? होम ब्रीड जी। और भाई ये भी है आपके शौक का? ये भी है जी जी। ये भी घर में ही पैदा हुआ है, ये बड़ी बकरी का बच्चा है। अच्छा तो मैं बोलूं व्यूअर्स को इसके लिए फोन नहीं करें, ये सेल के लिए नहीं है। ये सेल के लिए नहीं है, ये सभी पर्सनल कलेक्शन है हमारे सुफियान भाई का। और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सुफियान दिख रहे भले छोटे हैं लेकिन बहुत बकरेबाजी की नॉलेज रखते हैं और बहुत बकरों की केयर करते हैं, जो भी यह आता जाता है देखता है। सुफियान मुझे लोकेशन बता दीजिए, कहाँ पर पड़ रही है ये? नागपड़े में भाई अनमोल होटल के सामने। अनमोल होटल के सामने ये है अपना अनमोल होटल। और यहाँ पर आते हैं ये हमारा नागपड़ा जंक्शन आ गया, सामने रोलेक्स होटल दिख रही है, तो सागर होटल भी सामने ही है बराबर? सागर होटल भी सामने है। ओके तो यहाँ आके कोई फोन करेगा तो आप गाइड कर दोगे कैसा आना है? जी भाई जी जी जी। नंबर आपका जो डालना है आप मुझे भले पर्सनल में बता देना, आपके पास फोन वो मैं डाल लूंगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान जी। कैफ बहुत बहुत शुक्रिया, रखने से पहले दो बात आपसे कर लूँ, ज़्यादा बात नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शौक देख के बहुत अच्छा लगा। और आपने कहा कि बड़े बड़े बकरे आप लेके आओगे बराबर, तो कोई नस्ल में सोचे है, कौन सी नस्ल में लाओगे? अभी सारियन गुजरी बलबला सानियन गुजरी बलबला सब लेके आओगे। चलो अच्छा है, अल्लाह आपके शौक को बरकरार रखे। और बहुत अच्छा लगा बकरेबाजी के अंदर भी, बहुत अच्छा शौक कर रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।